नमस्कार, मैं अदिति फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी मीडिया। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का तीसरा दिन है आज। किसानों ने 12 फरवरी 2024 को केंद्र मंत्रालय के साथ दो दौर की बातचीत के बाद दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था। समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर किसान मंगलवार दोपहर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे। हरियाणा की सीमा में दाखिल होने पर अमात किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर कड़ी व्यवस्था की गई। इसके साथ ही कटीले तार लगाए गए, बैरिकेडिंग की गई, बड़ी संख्या में वहां पुलिस को भी तैनात किया गया। इसके अलावा सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और गौतम बुद्ध नगर की सीमाओं पर भी बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। अब इसी बीच किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि किसानों और सरकारों के बीच गुरुवार यानी कि आज 15 फरवरी शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी। ये जानकारी पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव और किसान नेता सरवन सिंह पांडेय ने दी है। बुधवार 14 फरवरी शाम मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार वार्ता करना चाहती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से बातचीत के बुलावे की चिट्ठी मिली है। पांडेय ने बताया कि चंडीगढ़ में गुरुवार को होने वाली मीटिंग में केंद्र मंत्री पीयूष गोयल, नित्य आनंद राय और अर्जुन मुंडा मौजूद होंगे। सरवन सिंह पांडेय ने कहा कि हम टकराव नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मामले का समाधान हो। अनुराग ठाकुर का बयान हमें पता लगा, उसके बाद हमने अपने दोनों किसान नेताओं के फोरम पर बात कर मैंडेट कर लिया कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह की पुलिस कार्रवाई हो रही है उसे हमें ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती। ड्रोन से जिस तरीके से हम पर शेलिंग करवाई गई, इसी वजह से हम बातचीत के लिए राजी नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के अफसर हमें लग रहे हैं कि हमें पर शेलिंग करवाने के लिए हरियाणा सरकार से बातचीत करते हैं, लेकिन उस दौरान किसान नेताओं को टारगेट करते हुए रबड़ की गोलियां भी चलाई गई। इसी वजह से हम कह रहे थे कि केंद्र सरकार का रवैया हमारे लिए ठीक नहीं है। हम ये भी कह रहे हैं कि हम पीसफुल बैठेंगे अगर हम पर केंद्र सरकार शेलिंग नहीं करनी चाहेगी तो। केंद्र सरकार हमें भड़काने का प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों की मांग को पूरा करेगी या फिर 2020 की तरह आंदोलन भी उग्र रूप लेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।